सो so स्टूडेंट्स चलो ये स्टोरी पढ़ते हैं ये कहानी पढ़ते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं तो एक गांव में बाबूलाल नाम का पेंटर रहता था वो बहुत ईमानदार था किंतु बहुत गरीब होने के कारण वह घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था उसकी आमदनी बहुत कम थी पूरा दिन काम करने के बाद भी बस दो वक्त की रोटी ही जुटा पाता था वह हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो पर वह छोटे छोटे काम भी बड़े लगन और ईमानदारी से करता था और एक दिन उसे गांव में ज़मींदार ने बुलाया और उसे कहा सुनो बाबूलाल मेरे पास तुम्हारे लिए काम है मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए मेरी नाव पेंट करो और यह काम आज ही हो जाना चाहिए बाबूलाल बोला काम आज ही पूरा हो जाएगा नाव पेंट करने का काम पाकर बाबूलाल बहुत खुश हुआ जमींदार ने पूछा तुम इस कम काम के कितने पैसे लोगे तो बाबूलाल ने कहा वैसे तो इस काम के दो हज़ार होते हैं पर आपको जो सही लगे वो दे दीजिए जमींदार बोला ठीक है तुम्हें दो हजार मिल जाएंगे पर काम अच्छा होना चाहिए जमींदार उसे अपनी नाव दिखाने नदी किनारे ले जाता है नाव देखने के बाद बाबूलाल जमींदार से थोड़ा समय मांगता है और अपना सामान लाने जाता है सामान लेकर जैसे ही बाबूलाल आता है तो वह नाव को रंगना शुरू कर देता है जब बाबूलाल नाव रंग रहा था तो उसने देखा कि नाव में तो छेद है अगर उसे ऐसे ही रंग दूंगा तो यह डूब जाएगी पहले इस छेद को ही भर देता हूँ ऐसा कहकर वह नाव का छेद भर देता है और नाव को रंग देता है फिर वह जमींदार के पास जाता है और कहता है हुजूर आपके नाव का काम पूरा हो हो चलिए देखने के लिए और वो दोनों नाव देखने जाते हैं नाव को देखकर जमींदार बहुत खुश होता है और बोलता है बाबूलाल काम तो तुमने बहुत बढ़िया किया है कल आकर अपने काम का मुआवजा लेकर जाओ बाबूलाल हाँ बोलकर घर जाता है जमींदार के घर वाले अगले दिन नदी के उस उस पार घूमने जाते हैं शाम को जमींदार का नौकर तो जो छुट्टी पर था वो वापस आता है नाव की देखरेख भी वही करता था परिवार को घर पर ना देखकर जमींदार को परिवार के बारे में पूछता है जमींदार उसे सारी बात बता देता है नहीं हो रहा फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलवाता है और कहता है ये लो बाबूलाल तुम्हारा मुआवजा बाबूलाल पैसे गिनता है तो उसमें ज़्यादा पैसे देखकर चौंक जाता है और ज़मींदार से कहता है इसमें तो छः हजार हैं और मेरा मुआवजा तो दो हज़ार ही है जमींदार बोलता है ये तुम्हारे ही पैसे हैं बाबूलाल तुमने बहुत बड़ा काम किया है तो बाबूलाल पूछता है कैसा काम ज़मींदार बोलता है तुमने इस नाव के छेद को भर दिया जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था अगर तुम चाहते तो तुम उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे या फिर उसके लिए अधिक पैसे भी मांग सकते थे पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया जिसकी वजह से मेरे परिवार वाले सुरक्षित उस नाव की सवारी कर सके अगर तुम उस उस उसे छोड़कर ना भरते तो मेरे परिवार वाले डूब भी सकते थे आज तुम्हारी वजह से वो ठीक है इसलिए ये पैसे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के हैं ये पैसे तुम्हारे ही हैं इनको तुम रख लो जमींदार किया बात सुनकर और पैसे लेकर बाबूलाल बहुत खुश होता है और हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है बच्चों कि हमें अपना काम हमेशा पूरी ईमानदारी से करना चाहिए सो मोरल ऑफ द स्टोरी स्टूडेंट्स हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए आपको ये कहानी आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखनी है और इसे याद करनी है थैंक यू एंड अ नाइस डे स्टूडेंट्स